भारत। जो बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंच जाते हैं उनके हाथ अनुभव से काली रह जाते हैं। सर, गुड आफ्टरनून सर। आई बेग योर पार्डन, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? सर, सर वो क्या है कि आज स्कूल का आखिरी दिन है ना, और कल से सर दिवाली की छुट्टियां पड़ रही हैं सर। हो तो ठीक है, घर जाओ, छुट्टियां मनाओ, खुशी मनाओ, मौज करो, और हम भी मौज कर लेंगे। दरअसल क्या है कि सर ना अकेले रहते हैं, छुट्टियों में सर उदास हो जाते हैं। क्या है? सर, उस सर। क्या है? किसका सर? मेरा सर, तुम्हारा सर, या इनका सर? किसका सर? सर। हाँ हाँ बोलो रविंदर, तुम सर से क्या कहने आए हो, बोलो ना। हाँ रविंदर बोलो। सर हम ये कहने आए हैं कि आज हमारी दिवाली की छुट्टी है, तो हम लोग ये चाहते कि हम लोग दिवाली की छुट्टी में भी स्कूल आए। और जिस तरह सर दिवाली से पहले घर की, गली की, दुकान की, मकान की सफाई होती है, उसी तरह हमारे स्कूल की भी सफाई हो। सर, रोहन सही बोल रहा है। और हमारे स्कूल को सजाया जाए, और हम दिया जलाए, और दिवाली बनाए, और ये सब काम हमारी टोली करेगी, यानी कि हम। हार्ड, बी डिसिप्लिन। अब मुझे पता चला कि हर दिवाली पर मैं उदास क्यों हो जाता हूं, क्योंकि हर दिवाली के दिन जब घर घर में खुशी के दियों से घरों को रोशन किया जाता है, तो वो स्कूल जो ज्ञान की रोशनी बांटता है वही बेचारा अंधेरे में डूबा रह जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार दिवाली हम स्कूल में ही मनाएंगे, और हर घर की तरह इस दिवाली को हमारा स्कूल भी रोशन होगा। और उसकी बंसोरानी, जल्दी जल्दी हाथ चला, सारे घर का काम करना है इसके बाद। क्यों, तुम्हारा हाथ थक गया है क्या? अरे हाथ थकने की बात नहीं है, अभी पूरे घर की साफ सफाई करनी है। ओ जी, तो तुसी ही करो, मैं तो नहीं करने वाली। हाँ क्यों? हर महीना तनख्वाह नहीं लेती क्या? ओ, लेती हूँ जी, पर ऊपर के काम काज की, झाड़ू पोछे तो आप ही को करने है ना। अरे समझा करो बंसोरानी, दिवाली का वक्त है। तो कौन सा बोनस मिलने वाला है? पहले धोबन थी तो कम से कम हर साल दिवाली पे नया जोड़ा तो मिलता था, यहाँ तो पता नहीं। अरे इस बार तुम्हारी तीसरी दिवाली है, क्या पता इस बार तेनु एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जोड़े मिल जाए। ओए होए होए होए, मैं इन लालचा विच पढ़ने वाली नहीं हूँ, समझे ना। पता है झाड़ू पकड़ते ही मेरी कमर में दर्द होने लगता है, मुझे चक्कर आने लगते है। अब तो ये सारा काम कैसे होगा ये सोचकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसा करते नौकरी छोड़ देते। फिर क्या करेंगे? ये तुसी जानो की करेंगे। अरे अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं तुम्हारे इन नाजुक हाथों में झाड़ू थोड़े ही आने देता। खुगी ध्यान नाल, एक भी जाला नहीं रहना चाहिए। जी पापा जी। बंसो, ये कांच का सामान है, जरा ध्यान से। ओए
की कर रहे हो? बेबे सफाई कर रहे हैं। कोई मिनिस्टर आने वाला है जो इतनी सफाई हो रही है? बेबे आप फिर से भूल गए हो ना? अरे बेबे मिनिस्टर नहीं, श्री रामचंद्र जी आ रहे सीता माता को लेके लंका से। हैं? वो आज तक लंका में ही थे क्या? बेबे 4 दिन बाद दिवाली है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी कुछ मदद कर देती। कोई बात नहीं बेबे, हम लोग हैं ना, हमने सब कर लिया, आप जाओ। वो प्रिया पुत्र है, चंगी तरह साफ कर, लिशका दे नु। ओ बंसो काम चोर ना बनी, साफ होना चाहिए चंगी तरह। ओ जसवीरे चंगी तरह एक एक मणका चमका दे। हाँ बेबे तुसी टेंशन ना लो, मैं एक एक को चुन चुन के चमकाऊंगा। हाँ जी। ओ निम्मो की होया है? एलर्जी, मैनू ना धूल और मिट्टी से एलर्जी है। की हुआ है जसवीरे? की हुआ है? पता नहीं पापा जी, कोई पुचाल सा आया। ओ निम्मो। अच्छा ओ की कितना तू? साडे कनाडा विच धूल मिट्टी होंदी नहीं है। निम्मो पिंड में धूल मिट्टी कट्टा छिके सब होती है। अच्छी तू एक काम कर, तू ना छत पे चली जा, बहुत आराम मिलेगा। और फिर ना दिवाली से पहले मत मिलना। ए ठीक है। जा रही हूँ। एलर्जी।